काम सारे सरकार के काम है, या तो अपने अंदर इतना दम हो कि हम सरकार को झुका दें, और या कलम की ताकत हमारे हाथ में हो। मेरे भाइयों, मेरा झगड़ा वसुंधरा राजे से चल रहा है, और मेरा झगड़ा अस्पताल का ही नहीं, राजस्थान के अंदर व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। धन्यवाद नागरिक मंच को इस बात का भी दूंगा कि जब हॉस्पिटल शिफ्ट हुआ था, हमको इसके विरोध नहीं है कि अस्पताल बड़ी जगह पे बने, अच्छा अस्पताल बने, लेकिन इसकी आड़ के अंदर अगर चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, चंद भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए अस्पताल को सोची समझी चाल के तहत अगर कहीं और शिफ्ट कर लिया जाए, और नागौर जिले के अंदर राजनीति करने वाले नेता अपनी जमीन आस पास खरीद ले, उसके बाद अस्पताल वहां चला जाए। इसमें बहुत बड़ा गेम हुआ था, ये सारा गेम तो जब खुलेगा, जब वो अपनी सरकार राजस्थान के अंदर आएगी तभी गेम खुलेगा, बाकी जान कौन करेगा। मैंने उस समय बयान दिया था, राजस्थान की विधानसभा के अंदर भी इस मामले को मैंने उठाया था, और सरकार ने जवाब दिया था कि अभी हमारा मामला विचाराधीन नहीं है। सरकार तो मेरी बात को ऐसे ही कहती थी विचाराधीन है, अब जो जब सरकार बदल देंगे तो अपना विचाराधीन हो जाएगा। मैं आपको इतना ही आश्वस्त करता हूँ, इस लड़ाई के अंदर मैं ये धन्यवाद दूंगा, दोबारा आपने इस लड़ाई की शुरुआत की, पहले भी बहुत बड़ा आंदोलन चला, सरकार ने आश्वस्त किया, मंत्री ने थूक के चाटा, थूक दिया, चाट दिया राजेंद्र राठौर ने, और यहाँ के लोग भी शामिल थे जो करवाने के लिए। और मेरे भाइयों, एक बात मैं शहर के अंदर, मेरी पीड़ा है, मैं खींचर का विधायक हूँ, नागौर शहर के अंदर आपकी सेवा करता हूँ, लेकिन वोट के टाइम आपको हाथ और फूल ही दिखता है, इसलिए तकलीफ तो आपको पानी पड़ेगी, अभी और कई तकलीफ आएगी, अस्पताल की तकलीफ है, आप देखो कई बार सीवरेज लाइन का पानी पीने के पानी की उसके अंदर आ जाता है, कोई सुनने वाला भी नहीं। ये तो मुझे धन्यवाद दो कि आपकी सेवा के लिए तुरंत आपको जाता हूँ, बात करो नागौर के लिए तो नहीं रहा, लेकिन मैं चूंकि नागौर का वासी हूँ, मेरे पिताजी लंबे टाइम तक रहे, लेकिन आप अपने अधिकारों के लिए अगर लड़ाई नहीं लड़ोगे, अन्याय करने वाले से ज्यादा अन्याय सहने वाला भी बराबर का हकदार होता है, आप अन्याय क्यों सहन करते। आप अपने अगर वाजिब बात के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, पीने के पानी के लिए, रोजगार के लिए भी अगर सड़कों पर नहीं आओगे तो कब निकलोगे आप सड़कों पर। अगर भगत सिंह ये सोच रहे था कि मुझे तो प्रधानमंत्री बनना है, और मुझे तो बीजेपी या कांग्रेस का राज जाना, बीजेपी तो थी नहीं उसमें, कांग्रेस थी, तो ये फांसी पे क्यों चढ़ता। उसने सोचा कि भारत माता को गुलामी के बेड़े से मुक्त करा है, मैं हूं या नहीं हूं, भारत माता गुलामी के बेड़े से मुक्त होती। तो हनुमान बेनीवाल तो इस नागौर जिले को, इस 70 साल की व्यवस्था को, इस राजस्थान की व्यवस्था को बदलना चाहता है। मैं तो चाहता हूँ जो फर्जी नेता लोकसभा विधानसभा के अंदर नहीं बोलते थे, यहाँ आके कहते थे कि हमने कुर्सी फेंक दी, ये कर दिया, कोई कुर्सी नहीं फेंकी कभी किसी ने। अगर विधानसभा के अंदर लड़ाई किसी ने लड़ी तो खींचर के विधायक ने, खींचर को छोड़कर नागौर सहित पूरे राजस्थान के जवान किसानों की लड़ाई लड़ी, और लड़ते लड़ते ये लड़ाई इस परवान चढ़ गई कि पूरे देश की नजरें इस नागौर पर टिक गई, और सारा देश देख रहा है कि नागौर खींचर का विधायक जयपुर रैली के अंदर नई पार्टी की घोषणा कब करेगा, पूरे देश की निगाहें इस नागौर की धरती पर टिकी है। ये मेरी लड़ाई और आपका आशीर्वाद का परिणाम है। मैंने हमेशा कहा कि खींचर के साथ साथ नागौर को नहर का पानी मिले, खींचर के साथ साथ नागौर खींचर, मेरे हर मुद्दे के अंदर आप देखो नागौर खींचर, चाहे आपके बालापीर खरना पांगा दौड़ के मुद्दे हो, चाहे दूसरे मामले हो, मैंने पुरजोर तरीके से मेरी ताकत लगा के विधानसभा सड़कों पर लड़ाई लड़ी। चूंकि इस राजस्थान के जवान भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिला खड़ा था, तो मैं ही चाहता था जवानों को रोजगार मिले, किसान भी मजबूत हो, व्यापारी भी मजबूत हो। जीएसटी का विरोध किया, नोटबंदी का विरोध किया, और व्यापारियों के मामलों में भी जब भी मुझे याद किया तो मैंने प्रत्येक वर्ग की लड़ाई लड़ने का प्रयास किया, छत्तीसगढ़ की लड़ाई लड़ने का प्रयास किया। और मैंने क्योंकि मेरी जाति की संख्या राजस्थान के अंदर ज्यादा है, मैं चाहता था कि मेरी जाति के जवान खुल के आ जाए और उनके साथ दलित मुस्लिम शोषित और 36 कौम के लोग और जुड़ जाए तो अपना मोर्चा बनेगा। ऐसे मोर्चा नहीं बनेगा क्योंकि पहले लोगों ने प्रयास किया था, देव सिंह भाटी ने प्रयास किया था मोर्चा बनाने का, एक ही सीट आई थी राजस्थान में, और केवड़ीलाल जी ने प्रयास किया, 4 आई थी, क्योंकि उनके समाज की संख्या राजस्थान के अंदर इतनी ज्यादा नहीं है कि मोर्चा बना सके। तो मेरे भाइयों, मैं तो मोर्चा बनाने के निकला हूँ, जिद्दी बहुत हूँ, जो जिद करता हूँ वो प्रयास करता हूँ, डरता किसी से नहीं, और जिसके साथ होता हूँ उसका हाथ पकड़ लेता हूँ, गरीब का हाथ कभी छोटा नहीं, और दो बार टेलीफोन नहीं किए, जो कह दिया वो किया है, और आज आपके बीच ये घोषणा करके जा रहा हूँ कि आप मुझे यह राजनीति नहीं करनी। कई लोग हनुमान जी आते, कई लोग मंचों से भाग जाते हैं यार हनुमान जी आगे, तो मैं मेरे भाइयों को ये भी कहना चाहता हूँ, कांग्रेस बीजेपी के सारे भाई इस लड़ाई के अंदर, चूंकि नागरिक मंच ये बैनर है अपना,
और नागरिक मंच के अंदर मैं भी इस शहर का निवासी हूँ, आप सब है। और अपन देखो आपको दो विधायक मिले, एक तो नागौर का विधायक, एक क्षेत्र का विधायक, तो आपको 60 ओवर मिले 24 घंटे रहता है। ये आपके दिल्ली वाले मंत्री जी रोज घूम रहे हैं। अब दिल्ली के मंत्री का काम होता है दिल्ली के अंदर बैठ के फाइल निकालना, उनकी गलती नहीं, उनके बेचारे के पास फाइल आती नहीं, कोई राज्य मंत्री के पास फाइल नहीं आती। फाइल के लिए या तो स्वतंत्र प्रभार होता है या कैबिनेट मंत्री होता है। तो इनको वसुंधरा जी ने कह दिया आप तो जाओ, आप जाओ गांव में घूमते रहो। अब घूमे कहाँ, या तो मोकान करो या फिर जाके कोई छोटा मोटा, या तो कोई नरेगा की रोड बन रही हो उसका भी फीता काट दो। नरेगा की रोड का कोई फीता कटता है क्या? मैं तो, मुझे तो उद्घाटन का शौक नहीं, मुझे तो काम का शौक है। दिल्ली वाला मंत्री या कोई बहुत बड़ी योजना है अगर दिल्ली से लिया था तो मैं भी मानता, तो सड़कें तोड़ रहे हैं घूम घूम के, कुछ ज्यादा काम। और अब 2 महीने बाद चले जाएंगे यहाँ से, ये जाना तो तय है उनका, उनकी विधायक तय है। ये तो मेरे लगने जो उनके लॉटरी खुल गई बात उनका, लॉटरी का जिले के अंदर अभी बात देख रहा कितने नंबर पर आए थे, टिकट नहीं मांगे भाग जाएंगे बीच। मैंने देखा कई रन छोड़ ये जिले के अंदर आए थे, रन छोड़ के भाग गए, हम ढूंढ रहे उनको। तो मेरे भाइयों, मैं इस आंदोलन में पूरी टीम को बधाई दूंगा। आमरण आपने 3 दिन किया, 3 दिन बहुत बड़ी बात है कि आपने ऐतिहासिक आंदोलन किया। मैं इस आंदोलन के अंदर आपके साथ हूँ, मैं सरकार से भी बात करूंगा, कल मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी डायरेक्टर जो जो लोग हैं उनसे बात करूंगा, मंत्री से भी बात करूंगा, कि आपके एमएलए से भी बात करूंगा कि सीएससी सिटी हॉस्पिटल यहाँ पे चालू हो जाए, सारी सुविधाएं इस अस्पताल को मिले।